हेलो। अमनदीप जी, मैं करोल बाग तो हम बोल रहे हैं। आप नाराज लग रहे थे, वो मोबाइल आपने चाइनीज मोबाइल खरीदा था, की हो गया है? ओ बैल नहीं रहा मोबाइल तेरा, ए मोबाइल लेगा तो मैंने नया मोबाइल ला के दे। नहीं कर सकते ना, हमारे हाथ और में होता। क्यों नहीं कर सकते? मैं इसलिए कह रहे हैं कि मैं हमारे हाथ च है नहीं, ये चाइनीज तो आंदा है ना, चाइना तो आंदा अरे है। इतने ब्लूटूथ नहीं चल रहा, कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मैं पैसे किस गल देते तेनू? ना ये चाइना से आता है ओ तो मैं यार इसमें मैनू ना 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 मैनू कुछ सुनना ही नहीं, मेरा मोबाइल बदल दे तू, नया मोबाइल ला के दे मैनू पे। कैसे दे दूं मैं? मतलब पीछे चाइना से आ रहा है ना माल, हम तो मतलब चाइना, तो गल करना चाइना च। जो हमारी बात वो समझते नहीं है, कुछ मानते ओ नहीं है। मैं कौन है? ओ मेरी गल करा तू बैठ, मैं कौन गल करना? मिला फोन ना तो कॉन्फ्रेंस से ले उन्हें बैठ। मैं ले रहा हूँ कॉन्फ्रेंस हाँ कर। ले ले ले। तो माँ हेलो। हाँ थाए जी। तुम ही आ तो ओ मैं जी इतने पटेल नगर तो बोल रहे हैं। मैं तुसी मोबाइल भेजा सी चाइना तो ये। तो है थावा। हाँ मैं लेता सी मोबाइल करौल बाग तो लिया सी, ए फिर एदे च आ रही ने प्रॉब्लम आ रही ने भाई। तो है चंगा दिन था नहीं मैं हाँ तो नहीं, मैं इतने आ गया चाइना हूँ। तो है ना तू और मैं किवें पहुंचागा चाइना? कमाल कर रहे हो। नहीं पर ये दिक्कत सुनो ना तुसी मेरी, आना तुसी किदा आंदे ना तू था एदे च ना, फिर चार्जिंग दी भी प्रॉब्लम है ते ब्लूटूथ भी नहीं चलदा ठीक तरह। या थोए वाली ना थो नी आ अच्छा फिर आले ना तुम आ नी आ तू तो छोटा चार्जर, छोटी पिन वाला चार्जर है नहीं ना मेरे कोल। वांदा तामू दोबारा कहीं, दोबारा की कह रहे? तवाई तो ओ तेरी मारी चाइना बैठ के मैंने गाली दे रहे हैं, बंदा है और तो मैंने तो ये नहीं बताया। हेलो। विनेश्वर जी, मैं थोड़ा आपके बेटे हर्ष को लेके कुछ बात करना चाह रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? विपिन आहूजा बोल रहा हूँ, रोमित मेरा बेटा है, रोमित और हर्ष आपका बेटा हर्ष, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं लेकिन जी कई दिनों से इन दोनों की ऐसी हरकतें देख रहा हूँ। मैंने रोमित को बुलाया, मैंने कहा चल क्या रहा है भाई ये बता, आप यकीन करना ऐसा दाएं बाएं हो गया, कुछ बताया नहीं इसने। मुझे लगता है कि शायद वो किसी गलत नहीं संगति गलत में है। कामों हाँ में है, मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गलत कामों में है। मैं अपनेश्वर जी आपको बताता हूँ, अभी इसकी मम्मी आई मेरे पास रोमित की, कहने लगी देखो जेब में से क्या निकला, सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था नवाब, है कि ये आवारागर्दी में ये ज्यादा अपना वक्त बिता रहा है कि इस लड़के ने मेरी जेब से 2,000 रुपए निकाल लिए और मैं इसकी टांगे तोड़ देता अगर इसकी माँ बीच में नहीं आती ये तो। देखिए ना, सारी बात छोड़िए, इससे बड़ी क्या बात होगी, उस दिन से माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, पास एक पेपर इसकी जेब से निकला है, दिल्ली में कोई क्लब है, ये स्लिप है इसकी, ये गए नहीं है वहां पे, दो दो पर्ची हैं, दो पर्ची हैं, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली का बेस्ट क्लब है, जहाँ पे वही लड़का लड़की आके सारे डांस करते हैं, पीना पिलाना होता है, और ये देखो क्लब वालों की चालाकियां, 400 रुपए सिर्फ एंट्री रखी है, जिसमें सारे पीने पिलाने का इंतजाम अंदर फ्री है बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज, और बहुत सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं उसमें, बूस्ट दे रहे हैं आपको, पीना पिलाना दे रहे हैं, कैब फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सिर्फ 400 रुपए में, आदमी भड़के नहीं, फिर बच्चा बिगड़े नहीं, क्या होगा हो फिर इनका? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने दीजिए साले को, रात को घर में इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अजय जी, वो आपने बताया था कि आपके बेटे के जेब से कुछ पर्चे निकली, वो वही पर्चे कितना है? निकले हैं, दिल्ली बेस्ट हाँ क्लब लिखा हुआ है, हाँ जी, वो कितना एंट्री फीस बताई थी? 400 रुपए लिख रखी है इसमें, और इन 400 रुपये में क्या क्या दे रहे हैं? चला गया, बूस्ट फ्री है सारा, पीना पिलाना फ्री है, क्या फैसिलिटी है सारा है। वैसे दयाल जी देखा जाए तो इनकी स्कीम क्लब की बुरी नहीं है, मतलब 400 रुपये, नहीं, अगर स्कीम बिल्कुल अच्छी लग रही है। सैटरडे क्या करते हैं आप? लेकिन शाम को तो मैं फ्री हो जाता हूँ, 400 और 400 800 रुपये बनते हैं। बुरे नहीं है, बात कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है आपकी? पार्टी मेरी पार्टी तरफ मेरी से। तरफ से होगी, मैं ऐसे नहीं यार, लेकिन हम वहां से 1 बजे तक निकल लेंगे, बस ये है। अरे जब वहां पे जा ही रहे हैं तो फिर एक और दो है, जैसा माहौल होगा देख लेंगे। हेलो हरदीप भाई, आई एम नुकुल, मैं आपकी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। नुकुल, नुकुल या बट देयर इज नोबडी विद सच दिस नेम आई एम नुकुल। कॉलिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। ओ बॉम्बे, ओके ओके, हाय नुकुल। डू यू हैव 2 मिनट्स? या प्लीज प्लीज। हरदीप, डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, लाइक मरने के बाद जिंदगी है? ओके, यू नो आई डोंट बिलीव इन यू नो सच सच यू नो नॉनसेंस।
अलग दुनिया, मतलब हम कहाँ पहुंच गए हैं। अभी भी लोग बोलते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग। डिस्कवरी चैनल और से यू नो इतने बड़े बड़े जो रिसर्च कर रहे हैं इसके अराउंड, जो भी लोग they were not able to prove exactly you know their theory. Hardeep, what I am saying, there are some proof. No, I don't get such things, you know, ki aisa kya proof hai. Main bol raha hu aadmi sir ek baar gaya to gaya, so gaya, there is no life after death. Bas abhi kya mere kehne ka matlab hai, Hardeep, trust me, there are some proof. Aapke paas kya proof hai? Corporate office mein baith ke kaise kaun se proof aap dekhte rehte hain? And I've studied subject around this. Let me tell you Hardeep. हरदीप, आपको ये रिमेम्बर, आपने 10 दिन पहले छुट्टी ली थी, आपकी चाचा की डेथ हो गई थी, ये रिमेम्बर, आपके चाचा की डेथ हो गई थी जी, वो परसों मिले थे हमें मार्केट में, GIP मॉल जो नोएडा में है उसमें वो घूम रहे थे। सो वे चाचा मिले थे आपको? यस सर होता है क्यों कुछ हो आखिरी ख्वाहिश जान मरने से पहले हो सकता है कि कुछ पसंद किया उन्होंने एंड यू नो ही वाज देयर जस्ट यू नो हो सकता है GIP से कुछ लिया उन्होंने एंड ही इज देयर एंड मैं पूछूंगा उनसे कि आप गए थे क्या उधर। आपने चाचा की अब बहुत याद आ रही है सर, आई कांट कैरी दिस कॉन्वर्सेशन, नो सॉरी।